वहीं फरदाबाद सेक्टर 12 खेल परिसर में 6 महीने पहले बनकर तैयार हो चुका सिंथेटिक एथलीट ट्रैक अब तक खिलाड़ियों को नहीं सौंपा गया है, जिसके चलते खिलाड़ियों को अपने अभ्यास करने में कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। खिलाड़ी कच्ची और कंक्रीट वाली सड़क पर दौड़ लगाने के लिए मजबूर हैं। इस ट्रैक के निर्माण पर 8 करोड़ 87 लाख रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन अभी उद्घाटन नहीं किया गया, जिसके लिए बार एसोसिएशन के पूर्व एलन पारसन ने खेल मंत्री अनिल विज को इसकी शिकायत की है। सर मैं हम तो आए थे रेस लगाने के लिए, लेकिन वो बाहर हमें रोक दिया गया क्योंकि ये कह रहे हैं अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, एक उद्घाटन नहीं हुआ है। उद्घाटन होने वाली 2 दिन पहले थी, लेकिन कह रहे हैं कि अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। इसकी वजह से हम लोग को ये रास्ते पे लगाना पड़ता है, कच्ची पे लगाना पड़ता है, बहुत दिक्कत आती है। अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, कल भी आया था, कल बोला कि अभी उद्घाटन नहीं है, उद्घाटन हो जाए उसके बाद आना, तो हम लोगों को रोड पे रनिंग करनी होती है, तो वहाँ दिक्कत होती है, वाहन वगैरह चलते हैं, इसलिए आज भी आए, आज भी मना कर दिया, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, बाहर ही कर रहे थे हम लोग। आपका अल्लन पारा सर। पारा सर जी खोल परिसर के पास आए हैं जी, क्या हुआ? हम कल भी आए थे शाम को, यहाँ काफ़ी बच्चे थे और हमारा जो प्रदेश है वो विश्वख्यात है खिलाड़ियों के लिए, लेकिन यहाँ एक ट्रैक बना हुआ है जिसे बने हुए लगभग 6 महीने हो गए और वो खिलाड़ियों के लिए खुला हुआ नहीं है, रेसिंग ट्रैक है। इसकी वजह से सैकड़ों खिलाड़ी दिल्ली या इधर उधर जाते हैं, उनके पेरेंट्स ले जाते हैं, यहाँ पर होटल तक से बच्चे आते हैं, इधर होटल, इधर आपके मेवा साइड से, इधर बॉर्डर साइड से ग्रामीण बच्चे आते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंडिया लेवल इंटर स्टेट पास किया हुआ है, वह एक विक्रांत पंचाल हैं जिसके लड़का, यहाँ विक्रांत पंचाल जो रेस में हरियाणा में टॉप आया और जल्दी ही जनवरी में उनके एशियन गेम्स की वो है ट्रेनिंग, उसमें पार्टिसिपेट की। वो लड़के अगर आज ये ट्रैक खुला हुआ होता तो फरीदाबाद से कम भी दर्जन लड़के यहाँ से सेलेक्ट होते, इसकी वजह से और नेताओं की लापरवाही की वजह से। क्या दिक्कतें आ रही हैं, ट्रैक खुला हुआ नहीं हुआ है? ट्रैक में दिक्कतें ये है कि इसका उद्घाटन नहीं हो रहा, बस और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बना हुआ आपके साथ। कितने महीने हो गए बना हुआ इसको? इसे मैंने बताते हैं 6-7 महीने बना हुआ हो गए, वैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है 17 में ये संपन्न हो गया, लेकिन यहाँ इसका आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। उद्घाटन ना होने की वजह से सैकड़ों बच्चों को बाहर जाना पड़ता है रेसिंग ट्रैक के लिए और रोड पर घूमते हैं, अगर रोड पर रेस लगाते हैं तो दुर्घटना की चांस बने रहते हैं। हाँ, चांस बने रहते हैं और कई बार गिर जाते हैं बच्चे, उनके घोंटों में चोट भी लगी हुई दिखाई थी। जल्द से जल्द ठीक।